ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है मैंने कहा एक्टर हैं बोले दिखने से तो लगते नहीं वो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे ऐसा 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 समझता था वो और शिपरा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी क्योंकि पाँच फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी जिद थी और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब ऑर्ड सिचुएशंस के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूं अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपने क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं के जैसा पहले होता था अरे यार तो तो बहुत खूबसूरत दिखता फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज को बारीकी से जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट्स की एक्सपीरियंस की जरूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो गए भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई को, को, को इतना बड़ा कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का पांच फोट छे इंच का आदमी पतला दुबला सा मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों या दस साल या बीस साल या तीस साल तीस साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल ट्राई करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का पैशन होता है जज्बा होता है अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है परीक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इंपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होना चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं कई बार फेलियर होते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है बहुत बार फेलियर हुए हम लोग लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती फॉर एग्जाम्पल एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो सौ बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी ज़िंदगी में सौ बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का तो एटलीस्ट उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनालिटी नहीं है हमारे पास बैक नहीं है या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं हम ही हैं तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका एक्सपीरियंस सुनते थे उनको ऑब्जर्व करते थे तो आई थिंक मेरे पास पंद्रह साल तक दस साल दस बारह साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही दस दस सेकेंड के रोल करके घर में आके बैठ जाए तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी के लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ तो मुझे लगा यार ये मैं तो ट्रेन भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है ये तो सब ये तो इससे तो मैं बहुत बहुत कुछ कर जाऊंगा तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे होंगे उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतोंडे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में मजूमदार साहब होंगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे मैं पंद्रह साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था अनफॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला कुक, तो कभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना वो एक मौका होता है आपके पास वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उस उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप तो मेरी लाइफ बहुत ही आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो पंद्रह दस बारह साल मैंने बिना काम के गुजारे जो लोगों के बीच में रहा था मैं आज वो काम आ रहा है मेरे जहाँ ज़रा सो कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही आसपास का ही ये बंदा है मैंने देखे हैं इस तरह के लोग आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी यू you नो know? आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं कुछ काम मिल नहीं रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा फिर ये होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिख के लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाइल उबाइल नहीं आए थे पेजर पेजर आए थे तो पेजर यहाँ पर पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी उस पर लिखती थी कि कच लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि बारह साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं तू तो इंसान है तू तेरा दिन भी बदलेगा <laughs> तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर कोई एक कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है जो लाइन्स आपको उनका रहना उनपे बिलीव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए और जब ख़राब वक्त होता है आपको वो लाइन्स वो पोइम्स वो वो सारी चीज़ें आपको संभल देती हैं मज़बूती देती हैं ताकत देती हैं और मैं जिस गांव से आया था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे वहाँ पे लाइट भी नहीं थी एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई इस तरह की लाइट इस तरह होती थी वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली हमारे दिल्ली मतलब छोटा सा उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है मतलब डर लगता था मैं जब मुंबई में आया था तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी तो इस तरह के डर थे लेकिन ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो वो बोलते क्यों भाई वापस आ गए तुम भी जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे तो तुम भी वापस आ गए चलो लग जाओ ठीक है गांव में इसलिए नहीं जाता था आपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शक्ल तो देख ले फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे हमने, वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ क्या सूरज शक्ल तो थो, थोड़ी ही थी तुम्हारी स्टार बनने की एक्टर बनने की तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गाँव जाता था ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से नमाज़ वहाँ जाता था मैं मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा रही बात सक्सेस की सक्सेस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए सक्सेस की कोई डेट नहीं होती कोई तारीख नहीं होती कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी इंसान का काम होता है आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता है जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल्स डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते हैं समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू ऐसी आपका भी फील्ड है कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है उसमें असीम संभावनाएं है होती हैं इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर हर काम में इतनी सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है एक हज़ार तरीके की पेंट सी सकता है वो अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला आ रहा है वही सीता जाएगा लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो एक हज़ार तरीके की पेंट उसी में एक हज़ार तरीके की सी देगा वो पेंट ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में जैसे एक मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी उन पर दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए बताते हैं कि एक बहुत बड़े पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मोची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले वो है वो लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके है क्योंकि वहां अगर उन्होंने उन्हें सी दिया वहां पे जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपका आगे बढ़ाती हैं बहुत आगे ले जाती हैं लेकिन उसके वही है कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपकी नॉलेज जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं आई एम सॉरी टू से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लकीली नहीं हूँ यहाँ पे मैंने उसके लिए मेहनत की है मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है